सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे और आज हम जाने वाले हैं एक प्यारा सा व्लॉग बनाने। तो देखते हैं यार आज कहाँ जाते हैं, बिकॉज गाइस यार 3-4 दिन हो चुके हैं यार मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं डाला। तो देखते यार आज कहाँ जाते हैं यार, क्योंकि आज काफ़ी मन हो रहा है व्लॉग बनाने का एंड राइड करने का। तो यार हाईवे की तरफ तो हम यार 2-3 बार जा चुके हैं, तो यार उधर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो सोचा आज सिटी की तरफ चलते हैं यार, देखते यार क्या सीन है। एंड गाइस नीचे देखो यार, कुछ हो गया यार, तो ये सब देख रहे हैं। चलो रोक कर देखते हैं पहले क्या सीन है। वैसे कोई रैली वगैरह निकल रही है, इस वजह से नीचे जाम हो रहा है। तो अच्छा रहा यार जो है हम ऊपर से आ गए, क्योंकि नीचे तो जाम में फंस जाते हैं, सिटी में यही लफड़ा होता है। चलो कोई ना, अब जाते हैं यार एक प्यारा सा व्लॉग बनाने, देखते हैं यार किधर जाना होता है। ये पुलिया उतरते फिर देखते यार कहाँ जाने का मन होता है। सोचते यार गाइस आज जो है आना सागर चौपाटी चले, क्योंकि यार बहुत दिन हो चुके हैं यार चौपाटी वगैरह नहीं घूमे, तो यार वो भी देख लेंगे। यार आपने भी देखा होगा यार, काफ़ी दिन हो गया यार मैंने उस तरफ का व्लॉग नहीं बनाया। तो चलो यार आज उसी तरफ चलते हैं, ठीक है। एंड आज हम इस वाले पुल से जाने वाले, ये वाला पुल खुल चुका है, तो देखते हैं यार ये वाला पुल कहाँ उतरता है, क्योंकि पहली बार मैं खुद जा रहा हूँ यार ये न्यू पुल की तरफ। तो देखते हैं यार ये चल्लू हो चुका है, तो चलो बढ़िया यार, ये काम तो बढ़िया करा यार ट्रैफिक से बचने के चक्कर में ये पुल बना दिया, बहुत ही बढ़िया। एंड यहाँ पर पुलिस की भी दिक्कत है यार, ये देखो ट्रैक्टर वाले भैया को ऐसा आप रोड की तरह कर रहा, रोड बनेगा यहाँ पर जो रोड गीला कर रहा है, देख रहे हो। चलो साइड से निकलते, ये देखो जाम देखो गाइस, इसलिए यहाँ पर आने का मन नहीं होता, पर क्या ही करे बहुत दिन हो गए, तो सोचा चलो इसी तरफ का व्लॉग बनाते हैं। बट आने का मन नहीं होता, यहाँ बहुत ज़्यादा जाम मिलता है। हाँ कोई इमरजेंसी हो या कोई काम हो फिर भले आ जाता हूँ, लेकिन गाइस आज मुझे काम भी है, सही रहा इस जगह में आ गया, क्योंकि इस तरह मुझे काम है। जो मेरा हेलमेट है उसका जो वाइज़र है वो मुझे चेंज करवाना है। वो वाइज़र जो है अभी वाइट है, तो वो जो रंगीन टाइप का होता है ना, ब्लैक होता है, रंगीन होता है, चमकीला, तो वो वाला वाइज़र मुझे लगवाना है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा लगता है यार। बट उसमें भी एक दिक्कत है यार, वो वाइज़र है ना सिर्फ दिन को ही यूज़ किया जाता है, रात को नहीं किया जाता है। रात को मतलब दिखता नहीं है ढंग से, बाकी रात का तो यार मेरा कोई काम नहीं है यार, रात को तो कोई मैं व्लॉग वगैरह नहीं बनाता हूँ, तो इतना कोई इशू नहीं है। तो दिन को मैं व्लॉग बनाता हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। तो वो वाला वाइज़र भी हम चेंज करवाएंगे, देखते हैं यार इस तरफ कहाँ मिलेगी हेलमेट की शॉप, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं मिलता था। इस आगे ट्रैफिक पुलिस वाले, ये देखो गाइस, मुझे लगा गाइस तांगे का जमाना गया यार, ये जो घोड़े के ऊपर घूमते हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर तांगे हैं, ये देखो तांगे चलाने वाले। और गाइस फाइनली हम आ चुके हैं आना सागर चौपाटी, बड़ी जल्दी आ गए ना गाइस, क्योंकि हम पुलिया पार कर गए ना, इस वजह से जल्दी आ गए, अगर नीचे से आते तो नहीं आ पाते। तो ये नज़ारा देख लो, एंड पानी बहुत गंदा हो रहा है यार, अंदर कुछ पेड़ वगैरह उग गए हैं, तो देख लो यार बहुत ही गंदा हो रहा पानी। पर ऐसा नहीं है गाइस, इनकी टाइम टाइम पर सफाई भी होती है, ऐसा नहीं है कि गंदा रहे बदबू आए। अभी बीच में बदबू भी आ रही थी, लेकिन साफ़ सफाई के बाद अब बदबू नहीं आ रही है, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो देख लो यार गाइस, एंड अब हम चलते थोड़ा पीछे की साइड, पीछे वाला व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और हाँ गाइस यार कमेंट करके बताना यार जो वीडियो का एंगल यार वो कैसा आ रहा है, क्योंकि यार मोबाइल में इतना अच्छा एंगल नहीं आता यार। बहुत जल्द मैं कैमरा भी लेने वाला हूँ, एक्शन कैमरा,
जिससे आपको एंगल और क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिले। बट अभी जो कैमरा यार वो बहुत ही महंगा आ रहा है यार, और मेरा उतना बजट है नहीं। और अगर छोटा मोटा कैमरा लूँगा तो उसमें आपको क्वालिटी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, तो यार कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो एक बढ़िया सा कैमरा लूँगा यार, उसके लिए थोड़े से पैसा आ जाए, क्योंकि अभी आपको भी पता यार चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है यार, व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो चैनल से तो कुछ अर्निंग हो नहीं रही है, फिर भी मैं आप सभी के लिए व्लॉग डाल रहा हूँ, क्या पता कोई ना कोई व्लॉग वायरल हो जाए एंड आप सपोर्ट करने लग जाए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, कंटेंट भी हम चेंज कर देंगे। जैसा आप कंटेंट देखना पसंद करोगे यार, वही कंटेंट डालेंगे। एंड आप सभी के यार कमेंट भी आ रहे थे कि भाई आपने फ्री फायर छोड़ दिया क्या, फ्री फायर की वीडियो नहीं डाल रहे हो, ये व्लॉगिंग डाल रहे हो। तो गाइस मैं आपको कहना चाहता हूँ यार, अभी देखो फ्री फायर है ना, बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, मैंने छोड़ा नहीं है, बस वीडियो बनाना छोड़ा है। बाकी गेम वगैरह मैं खेलता हूँ कभी कभार जब मन होता है, क्योंकि पहले जैसी बात नहीं रही, ये भी आपको पता है। ये तो पहले तो गाइस रात दिन यार मतलब गेम ही गेम खेलते थे, और अब ऐसा हो गया यार मन नहीं होता गेम खेलने का जब से फ्री फायर बैन हुआ। और ऊपर से यार गाइस चैनल पे आपने व्यूज़ भी देखे होंगे यार, व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आ रहे थे, 600-700 इतने व्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने सोचा यार कोई फ़ायदा है नहीं यार, काफ़ी बंदों ने यार गेम खेलना छोड़ दिया, और ऊपर से यार आपका भी सपोर्ट नहीं था यार व्यूज़ वगैरह पे यार। औरों के काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे लेकिन मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्या दिक्कत थी। तो इस वजह से यार मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गया। लगभग यार गाइस 6 या फिर 7 महीने से मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा था लेकिन कोई भी सपोर्ट नहीं हो रहा था, 600-700 से व्यूज़ ज़्यादा आ ही नहीं रहे थे। और जो फ्री फायर खेलते यार उनके तो भर भर के व्यूज़ आ रहे थे। तो पता नहीं यार, मैंने सोचा यार मेरे कंटेंट में आपको कुछ कमी दिख रही होगी, मेरे बोलने के स्टाइल में या फिर अपडेट वगैरह में। तो जितना मेरे से हुआ उतना तो मैंने करा था लेकिन फिर भी सपोर्ट नहीं रहा। तो एक टाइम पे गाइस मैं भी डीमोटिवेट हो गया। अगर आप भी कुछ काम करोगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी तो गाइस आप भी डीमोटिवेट हो गए, उस काम को छोड़ दोगे। तो फिर उसके बाद गाइस मैंने एक बाइक लिया, सोचा चलो मोटो व्लॉग करते यार, क्योंकि मोटो व्लॉग भी मुझे करना था यार। तो इस वजह से मैंने फिर अपना ड्रीम बाइक लिया एंड मोटो व्लॉग स्टार्ट करा। एंड उस पर भी यार अभी सपोर्ट इतना नहीं है, 300-400 व्यूज़ आते हैं, लेकिन देखते हैं यार अगर आपका सपोर्ट रहा तो यही कंटेंट रेगुलर डालेंगे, वरना ये वाला कंटेंट भी छोड़ देंगे। बाकी आप कमेंट करके बताना कि मैं फ्री फायर की वीडियो डालूँ या फिर वापस से यही व्लॉगिंग डालूँ, आपके ऊपर है। आप कमेंट करके बताना, जो आपको कंटेंट पसंद आएगा वही मैं वीडियो डालूँगा। अगर इनके अलावा भी कोई और कंटेंट है तो यार आप बता सकते हो। तो यहाँ से हम जो है राइट मुड़ने वाले हैं। एंड गाइस आज यहाँ पर भी कुछ रैली निकलेगी यार, ये देखो एक तरफा रोड है वो बंद कर रखा है, देखते हैं यार क्या रैली निकलती है यार, शाम को निकलेगी। देखो स्टेज कुर्सी वगैरह सब लगा रखी है। नहीं चलो यहाँ पर भीड़ नहीं है तो आपको बढ़िया सा पानी वगैरह दिखा देते हैं साइड में बाइक रोक के। छाँव में बाइक रोकते हैं। एंड गाइस यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं। तो ये देखो गाइस यहाँ पर कितनी गंदगी कर रखी है यार, पेड़ पौधे और पानी देखो पूरा हरा हरा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। देखते यार कब तक साफ़ होती है, क्योंकि साफ़ होती है पर ये वापस सूख जाती है यार, पता नहीं क्या है ये पेड़, पता नहीं कौन सी यार ये जड़ है, पूरे पानी में हो रही है यार, बस बदबू नहीं आ रही है, नहीं तो पहले तो बदबू भी आ रही थी। तो देख लो यार ये कुछ सीन है, यहाँ से देख लो चारों तरफ पहाड़ और बीच में ये पानी। तो धूप ज़्यादा हो रही है यार इसलिए भीड़ वगैरह भी नहीं आ रही है, और मेरा भी रुकने का मन नहीं हो रहा अभी, क्योंकि धूप बहुत ही यार तेज़ है और ऊपर से पानी भी साफ़ नहीं है, गंदा हो रहा है।
तो चलो यार, दिखा दिया मैंने आपको आना सागर, चलो फटाफट से चलते हैं। एंड अपना वाइजर यार वो ठीक करवाते, शॉप ढूंढते। तो चलो यार गाइस, इस वाले ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। आई होप गाइस आपको आज वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार, मिलते हैं यार एक और न्यू व्लॉग के अंदर, क्योंकि मुझे अभी वाइज़र चेंज करवाने जाना है मार्केट के अंदर, तो वहाँ पर मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना सकता। ठीक है, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट किसी एक और न्यू व्लॉग में।